Krishna Mana अब इस जादू का रहस्य की ओर चलता है दोस्तों। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और तीन ऑप्शन जो आएंगे उसके बाद जिसमें और को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इसमें जो पहले जादू दिखाया था इस तरह का एक प्लेइंग कार्ड को लेना है और यहां पर जो सुराख डाल देना है और इसके अंदर से एक पिन के जरिए एक इनविजिबल थ्रेड को एक धागा है ये है वो धागा उस धागे को ये दोनों के अंदर से ले करके लेना है। यहां से डबल हो जाएगा और इसको दूसरा एंड जो है वो एक सेफ्टी पिन के ऊपर लगा करके ये पॉकेट के अंदर पिन कर देना है। इसका लंबाई आपको तय करना है, जितना दूर आप हाथ फैलाएंगे उतना ही लंबाई रखना है, ज़्यादा लंबाई नहीं रखना। तो इस तरह से यहाँ दो सुराख कर दिया, यहाँ पे सुई से उसके अंदर धागा लेकर के यहाँ से डाला, इस तरह से निकाला, ये डबल ले लिया और ये पिन के ऊपर बांध दिया। अब ये पिन को यहां पर ऐसे पिन करके रख दीजिए और ये जो कार्ड है इसको यहां पर छुपा दीजिए, ऐसे छुपा दीजिए। क्लियर हो गया? ये हाथ दिखा दिया, पीछे दिखा दिया, ये हाथ दिखा दिया, पीछे दिखा दिया। के बाद आपको तुरंत क्या करना है, ये उंगली के अंदर ये जो धागा है उसको पूरा ले लेना है, ऐसे इसलिए लेना है इस उंगली के अंदर इसको फैला कर रखे ताकि इस उंगली से आराम से इसको डाल सके। इसको लेकर के थोड़ा आगे खींच कर रख दिया, यहाँ पर अच्छी तरह से जगह बन गया। अब इस दो उंगली को इसके अंदर डाल दीजिए, इसे यानी धागा यहां से आना चाहिए, ऐसे ऐसे दो बार दिखा दीजिए और इसको दाहिने तरफ ऐसे खींच लीजिए। ये हाथ में यहां पर आ जाएगा, ज्यादा दूर खींचना नहीं, जितना इसका लंबाई रखा है उतना लंबाई पर रख और इसको लेकर के दिखा दीजिए। उसके बाद इसको पॉकेट में लगा दीजिए इस तरह, इसके अंदर डाल दिए इसे। अब ये हाथ दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, तुरंत ये उंगली के बीच में धागा ले लिया, दो बार इस तरह से कर लिया, यहां पर आ गया, यहां से आ गया धागा और इसको ये हाथ हटा दिया, इसको लेकर के दाहिनी तरफ ऐसा ले लीजिए, ये हाथ में आ जाएगा और इसको पॉकेट में डाल दें। अब दूसरा जो जादू दिखाया था वो भी इसी तरह का एक ट्रग का है, लस्टिक रोड लेना है, एक सिरा जो है एक
इन तीन के ऊपर ला करके यहाँ पर ऐसा डाल दीजिए। और ये काट जो बनाया है एक अलग ढंग से बनाया हुआ है, ये पांच ताक को लेकर के बनाया हुआ है और यहाँ पर एक रिजिट किया हुआ है, ये अलग अलग नहीं हो जाएंगे, हम ऐसा रखेंगे, ये इस रिजिट की वजह से उसी जगह पर रहेगा, उस रिजिट के अंदर कोला रखना है। यानी ये इलास्टिक का दूसरा एंड जो है ये रिजिट के जो सुराख के अंदर से रखना है, और ये जो पास है इसको इस तरह से काट करके छोटा कर देना है, बिल्कुल पतला पास लेना है और इस तरह से काट करके कोविट कम कर देना है। और लास्ट वाला जो पास है इसको पूरा ही रखना है, लेकिन को ऐसा रखने के बाद को ऐसा फोल्ड करके बना देना है। और यहाँ पर जो है वेलक्रो टाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके दोनों तरफ लगा देना है, ऐसा दबा कर रखेंगे तो चिपक जाएगा वहां पर और खींचेंगे तो निकल जाएगा। इसको ऐसा लॉक करके रख देना है और दाहिने हाथ में लेकर कोट के हाथ पहनना है, ताकि सही से हाथ में रहेगा। उसके बाद बटन वगैरह लगा दीजिए और ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तब क्या करना है, इसको थोड़ा बाहर खींच कर रखना है और ये जो लॉक लगाया हुआ है इसको निकाल देना है और ऐसे दिखाना है और इसको खोल करके फैला कर दिखा देना है ऐसे। इसे दिखा दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। इस तरह क्लोज करने के बाद क्या करना है, इसको होल्ड करके यहाँ पर चिपका देना है। वो चिपक गया, अब इसको इस तरह से हाथ में रख लीजिए और ऐसा करिए हाथ में और एक बार इस तरह ऐसा खींच लीजिए, फेंक दीजिए उसको ऊपर। तब क्या करें, इसके ऊपर से पकड़ छोड़ दो, उसी का यहाँ तक निकल जाएगा।